तो दिन की शुरुआत मेरी हो चुकी है। मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ था जिसमें शुगर कॉस्मेटिक्स का लिपस्टिक शेड थे, तो मैंने ये एक शेड लगाया हुआ है। फुल रिव्यू आपको मिलेगा मेरे शॉर्ट्स चैनल पर, मतलब शॉर्ट्स पे मिलेगा मेन चैनल पर। तो कलर बहुत अच्छा है। यहाँ पे इसमें क्या है? टॉफी है। हाँ जी, चलो मिलके कुंटे, हम मिलके ना खुलो, खोल लेंगे फिर। हम खोल लेंगे, के लिए मैं खोल देंगे। नहीं, हम खोलेंगे। मैं खोलूंगा, मैं खोलूंगा, मैं खेलूंगी, मैं बंद कर देंगे, हम बंद कर देंगे। बंद कर दिया। लाल दिला खोल के हम तुमको इसमें निकाल के दे दें। अल्लाह हमको दो, हमको दो, हमें ला, खोल ही नहीं पाओगे, इसे घुमाते रह जाओगे। धरा दे। इमाम के बहुत ताकत है, जरा देखे कितनी ताकत है। उतना अमी ने खोल के दिया था तुम्हें, खोलो। चलो हम दोनों ताकत खोलते। हाँ, दोनों, अब दोनों। नहीं मुझे नहीं। बन जा। हो। अरे। अब बंद कर दो इसे। हाँ बस। हाँ। बस अब ये अब कल मिलेगी। निकल चुके हैं घर से बहुत बड़े काम के लिए, तो चलो आपको बताते हैं और आपको भी साथ ले चलते हैं। तो हम लोग प्लान कर रहे हैं बाइक लेने का, क्योंकि ज़ुबैर की पुरानी बाइक काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो गई है, तो हम लोग नई बाइक लेने का प्लान कर रहे हैं। तो चलो चलते हैं वहीं पर, और आप लोग भी देखना और बताना कॉमेंट करके कि कौन सी अच्छी है, कौन सी लेनी चाहिए बट अफोर्डेबल में। चलो हम चलते हैं। तो आपने देखा कि हम पहुंच गए हैं बाइक के शोरूम। यहाँ पर हम लोग ने कोटेशन तो ले ली है बहुत ढेर सारी बाइकों की कि कौन सी बाइक लेनी है। तो हम लोग लेने चाह रहे थे स्प्लेंडर, और लेने कुछ गए थे, लेके डिसाइड करके कुछ और आए हैं। ऑल राइट गाइस, तो अब भी शाम के बज रहे हैं 7:30 बजे नहीं है, बजने वाले हैं, और हम लोग वापस आ गए हैं। आपने जिससे की देगा हम लोग गए थे, तो हम लोग लाइक कोटेशन वगैरह लेने गए थे कि कैसे क्या पड़ेगा, फाइनेंस कराएंगे तो कैसे होगा, इनकेस कैश देना चाहें तो कैसे होगा। तो कैश तो नहीं दे रहे फिलहाल, वो बहुत महंगी पड़ेगी, तो हम लोग फाइनेंस ही करा रहे हैं। हालाँकि वो भी 25-30-35,000 महंगी पड़ रही है, बट स्टिल करना तो है ही है, ठीक है। तो अभी हम लोग चलेंगे, अब तब जाएंगे जब मुझे उसको निकलवाना होगा उस बाइक को। तो अभी हम लोगों ने एकदम फुल एंड फाइनल डिसाइड नहीं किया है, डिसाइड होएगा मे बी डे आफ्टर टुमारो, लाइक परसों डिसाइड हो जाएगा, और डिसाइड होके वो आ भी जाएगी बाइक इनकी जो हम लोगों को लेनी है। तो चलो देखते हैं कि कैसे क्या होगा, और मैं इसी ब्लॉग में आई डोंट थिंक सो कि मैं इस ब्लॉग में कंटिन्यू करने वाली हूँ, तो उसके लिए आपको मेरा नेक्स्ट ब्लॉग देखना होगा। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी, दिखाऊंगी सब कुछ कि हम लोगों ने कौन सी बाइक ली है। और वैसे भी ये कोई शो ऑफ मतलब वैसी वाली बाइक नहीं होने वाली, कि जैसे कि मतलब बहुत हैवी सी, बहुत महंगी सी, हम लोग सस्ते में अच्छा लेंगे ताकि उनको डेली में चलना है, तो यू नो उस हिसाब से, ताकि वो बजट में हो हमारे और अच्छी हो, अच्छी एवरेज दे, और अच्छी मतलब सब कुछ ढंग का हो और बजट में हो। मेन हमारा बजट ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज वी आर मिडिल क्लास, तो उसके लिए भैया बजट में होना बहुत ज़रूरी। तो चलो अब हम मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद।
तो अभी मॉर्निंग हो गई है मेरी मेरी नहीं एक्चुअली सबकी हो गई होगी, तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 12, मॉर्निंग से भी दोपहर हो गई है। और अभी हमने अपने घर का लगभग सारा काम कर लिया है और किचन का काम थोड़ा सा रह गया है, इन द सेंस लाइक जो भी खाना वाना देखना बनाना है वो रह गया है। और आपको थोड़े बहुत बेड के ऊपर खिलौने दिख रहे होंगे, वो इमाम खिला के गया है, मतलब मैं कितना भी ठीक करने की कोशिश करूँ बट इमाम नहीं करने देता। ठीक है, तो चलो मैंने ना अभी अम्मी को बना के दी है चाय और मैं पी रही हूँ कॉफ़ी। कॉफ़ी मैंने कुछ ज़्यादा ही फेंक के रख ली थी कल, तो मैंने कहा चलो इसको कर लेते हैं वरना ये जो है ना झागस का बैठने लगता है। तो मैं थोड़ा सा कॉफ़ी पी रही हूँ। एक्चुअली मैंने अपनी फ्रिज को डिफ्रॉस्ट कर दिया तो इस वजह से जो उसका झाग था कॉफ़ी का वो बैठने लगा था, दैट्स व्हाई मैंने कहा वेस्ट हो जाता है इसको यूज़ कर। बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ज़्यादा थी इसमें। ओके एनीवेज मैं तो स्ट्रॉन्ग पी लेती हूँ। तो मैंने निकाले हैं ये दो पर्स जो कि हैं फैक बैग के, आई थिंक दोनों आई नो ये वाला, हाँ ये वाला भी फैक बैग का, ये तो है ये फैक बैग का। ठीक है, तो दोनों मुझे फैक बैग की तरफ से रिसीव हुए थे। मैं पहले बहुत फैक बैग मंगाती थी बट अब तो मैंने इनको छोड़ ही दिया और मुझे पता नहीं फैक बैग अब आते भी हैं कि नहीं। तो मेरे पास दो हैं ये और पता नहीं अभी और कुछ होंगे शायद, मैं देखूंगी। तो मैं क्या करती थी, मैं पहले ना हमेशा इस तरह के छोटे छोटे बैग अपने मेन बैग में रखती थी, जैसे आजकल मैं ना ये वाला बैग यूज़ करती हूँ। ठीक है, मैंने स्नैपडील से मंगाया था, आई थिंक यस ये स्नैपडील का। तो मैं इसमें ना ऐसे करके रख लेती हूँ, तो मैं ये देख रही थी इसमें फिट आ रहा है कि नहीं। तो ये काफ़ी मतलब आ रहा है बट बहुत अच्छे से नहीं आ रहा है, मतलब लाइक एकदम जैसे फ्री होके। बट इसमें एक अच्छा ये है कि वो जिप नहीं है, तो जैसे खोला और फट से ऐसे यूज़ हो गया, इतने जिप है। बट इसमें अच्छाई दूसरी है कि ये ट्रांसपेरेंट है, तो कौन सी चीज़ कहाँ पे एकदम है मतलब पता चल जाएगा। तो आई एम नॉट श्योर कि मैं कौन से बैग में अपना सामान रखूँ, लेट्स सी। अब मैं जितना कॉफ़ी इंजॉय कर रही हूँ पीती हूँ ना, मुझे लगता है उतना कुछ भी इंजॉय नहीं करती, नॉट इवन कोल्ड ड्रिंक, नॉट इवन चाय, मैं कुछ भी इतना इंजॉय करके नहीं पीती। सो अभी मैं डिसाइड कर लेती हूँ कि मैं कौन सा बैग यूज़ करने वाली हूँ, तो मैं आपसे बात कर लूँगी। और ये है वो मेरा स्टूल है, मेरा ड्रेसिंग टेबल का, इसी का मेरा स्टूल है ये, तो मैं इसी में ही अपना जो है सारा कुछ रखती हूँ। तो ये है मेरे लेस का झोला, इसमें सारी लेसेस वगैरह हैं। और ये देखो ये सारे बैग्स हैं मेरे, ये देखो ये मेरा मेकअप बैग है, तो जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो इसमें मैं सारा अपना मेकअप रखती हूँ। ये एक मेकअप का है और एक ये मेकअप का है, ये वाला काफ़ी छोटा है तो अगर मुझे बहुत कम सामान रखना होता तो मैं ये रख लेती हूँ, वरना मैं ये तो ये गंदा भी हो गया है। और ये मेरी शादी के टाइम का है, मे बी शादी के पहले ही मैंने लिया होगा। ठीक है, सो ये देखो इसमें मैं अपने ब्रशेज़ रखती हूँ जब कहीं बाहर जाती हूँ। ठीक है, और एक ये है, इसमें भी मेकअप मैं रखती हूँ। और ये सब ये देखो क्वेंच की तरफ से आया था बट ये बहुत अच्छा है। ठीक, और भी है इसमें, इसमें बहुत सारा सब कुछ है, तो लेट मी सी। तो फाइनली डिसाइडेड है मैं ये वाला बैग रखने वाली हूँ, कि मेरे पास दूसरा कोई बैग नहीं है। तो अभी मैंने स्टार्ट कर दी है अपनी शूटिंग की तैयारी, मैंने करनी है मतलब मैंने स्टार्ट कर दी है बट द फैक्ट। तो अभी गाइस हम शूट करने जा रहे हैं, मतलब मैं शूट करने जा रही हूँ। इमाम सो गया है और शाम के 6 लगभग बज रहे हैं और वो भी थोड़ी देर पहले सोया, आधा घंटा पहले। इसके बाद मैंने सारा सेटिंग करा जैसे मैं करती हूँ, तो लेकिन मैं कुछ करूँ और वो टाइम पे हो जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये देखो ये मेरा ट्राइपॉड है जो कि सब बिल्कुल बेकार हो गया है, ये देख रहे हो एकदम बेकार सा होगा, जबकि ये डिजिटेक का है, आप देख सकते हो ये डिजिटेक का है और ये आई थिंक 2 साल भी नहीं चला अच्छे से, ये पहले ही अपना दम तोड़ चुका है ऑलमोस्ट। और यहाँ भी मेरी ये लाइट है, तो ये वाला ट्राइपॉड तो उससे पहले ही ख़राब हो गया था, लेकिन ये सिंपेक्स का है, इसको मैंने बहुत टाइम पहले लिया था, 6-7 साल पहले, 6 साल पहले लगभग, और ये अभी भी चल रहा है। तो मतलब भले ही यहाँ से ये लूज़ हो गया है बट स्टिल ये चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो मैं क्या करूँगी, मुझे ना नया वाला लैपटॉप लेना, नया ट्राइपॉड मुझे ना लेना ही पड़ेगा। तो उसके लिए मैं जो नहीं लूँगी वो यहाँ पे यूज़ करूँगी, मतलब अपने मोबाइल या कैमरे के लिए, और जो ये वाला जो ट्राइपॉड है वो मैं यूज़ करूँगी यहाँ पर इसकी जगह पे, और इसको मैं फुल रिटायर कर दूँगी। ये कुछ ऐसा है, और ये वाला तो एकदम बेकार हो गया, देख रहे हो इसको मैं घुमाते जा रही हूँ, ये टाइट ही नहीं हो रहा है किसी सूरत से, देखो ये देखो टाइट ही नहीं हो रहा है, बस इतना टाइट होता है। इसके बाद यहाँ से ये बस घूमता रहेगा टाइटली, लेकिन ये एकदम एक जगह रुक जाए ऐसा नहीं हो रहा है, और एकदम फ्लिमजी सा हो गया है कुछ भी नहीं। और इसका ट्रैप जो ये मोबाइल होल्डर है ना, ये दूसरा मैंने लगाया हुआ है, वो बोला तो टूट गया था, फिर दूसरा मैंने लगाया हुआ है एक्चुअली। लो ये भी निकल गया, मतलब बात करते करते इनका भी स्वाहा हो गया है, तो मुझे बहुत जल्दी ट्राइपॉड एक अच्छा सा लेना पड़ेगा। अब की बार ट्राइपॉड लूँगी तो वो अच्छा वाला लूँगी, ताकि मैं कभी मैं कैमरा लूँ तो वो उस पर चल जाए।
तो अभी सिर्फ और सिर्फ मोबाइल की यूज़ पे नहीं लूँगी, अब मैं लूँगी तो अच्छा सा इसमें कैमरा भी मेरा आ जाए। तो चलो जा रहे हैं शूट करने के लिए। ओके गाइस, तो मेरा शूट डन हो चुका है और मैंने अपना आधा मेकअप तो रिमूव भी कर दिया है। फुल मेकअप लुक पूरा देखना ज़रूर मेरे शॉर्ट्स वीडियो पर, मेरे मेन चैनल पर टैग कर दूंगी नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज़रूर चेकआउट करना। और ये मैंने साड़ी पर लुक क्रिएट किया है, ठीक है? तो ये ब्लाउज है उसका, तो आपने एक बार ज़रूर चेकआउट करना, ठीक है? ओके, तो मैंने मेकअप अपना रिमूव कर लिया है और यस, ये देख रहा मेरी स्किन ग्लो हो रही है अपनी किस्मत, रो नहीं रही एक्चुअली। काजल वाजल था जितना रिमूव कर पाया लेकिन तब भी फिर भी थोड़ा बहुत रह गया है। और स्किन केयर अभी नहीं किया, सिर्फ क्लिंजर ही यूज़ किया हुआ। और मैं चाय बना रही हूँ बिकॉज चाय बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, चाय और कॉफ़ी का ही संग्रह है। बस पहले वो पी लूँ, थोड़ा सा बिस्किट खा लूँ, बहुत तेज़ भूख लगी है वाकई में। तकरीबन मुझे शूट करते करते हो गया होगा ऑलमोस्ट 2 से 2.5 घंटा, 2.5 घंटा तो ऑलमोस्ट हो गया होगा, और जैसा 2-2.5 घंटा हो गया होगा। तो 2.5 घंटे से मैं बगैर कुछ खाए हूँ, और 2.5 घंटे से बहुत पहले मैंने खाना खाया था, ऑलमोस्ट मैंने खाना खाया था 2:30-3 बजे के लगभग, और मैंने शूट अपना स्टार्ट किया है 4:30-5 बजे के लगभग, तो हिसाब से आप सोच सकते हो 5:30 के लगभग। और अभी बज रहा है तकरीबन 7:45 हो गया है देख लो। तो ये सब मैं 8 बजे चाय पीने जा रही हूँ शाम की। आप लोग कितने बजे पीते हो कमेंट करके बताना मुझे, शाम की चाय पे कितने, जैसे 4 से 5 बजे हद पर पी लेते हैं, मैं भी पी लेती हूँ, पर आज थोड़ा लेट हो गया। और ये है मेरी चाय और ये है मेरा मेस, देख रहे हो इतना मेस है, और बीच में मेरा बेटा सो रहा है, देख रहे हो कितना मेस है। और वो भी देखो वहाँ पर भी रखा हुआ है सब सामान मेरा। और ये मेरी लाइटिंग वाइटिंग थी, ट्राईपॉड मैंने वो हटा दिया है, देख रहे हो इतना मेस करती हूँ मैं, करती हूँ मैं क्या, सारे यूट्यूबर करते हैं यार, जो जो शूट करते हैं बाद में सब कुछ ऐसा ही कुछ हाल होता है। सो गाइस, अभी मैंने ना अपने सारे ब्रशेस को धुलने के लिए डाला है, ये देखो ये जितने ब्रशेस हैं मेरे ये मैंने सब धुलने के लिए डाल दिए हैं। मैं एक बार में जितने ब्रशेस निकालती हूँ 2-3 वीडियो या 4 वीडियो के हिसाब से, वो सारे जब यूज़ कर लेती हूँ तो एक साथ सब धुल देते हैं। देखो ये धुलने के लिए डाले हैं, 2-4-5 मिनट के लिए इसको ऐसे सोक करेंगे साबुन के पानी में, और उसके बाद हम इसको देख रहे हो कितना गंदा निकल रहा है, धूल भी लगती रहती है ना, तो फिर इसको हम लोग धुल लेंगे बस 5 मिनट के बाद। और ये रहा मेरा फाइनल, मतलब मैंने साफ़ कर दिया है, बस वो साड़ी मुझे तहानी है, बाकी सारा कुछ मैंने सब ऐसे रख दिया है अच्छे से। सो अभी मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया है डिनर, और आप यकीन नहीं मानोगे डिनर बन रहा है मेरा अब रात के 10:30 बजे। मैं आज मुद्दतों के बाद हमारे यहाँ बन रहे हैं क्योंकि टमाटर अब जाके कच्चे हुए हैं, तो मैं बना रही हूँ। आपने टमाटर बनाने स्टार्ट किए कि नहीं, और आप यहाँ टमाटर को क्या प्राइस है मुझे जरूर बताना। मेरे यहाँ तो भैया 50 रुपये किलो में मिल रहे थे, तो हमने ले लिए 1/2 किलो। अब मैं बना रही हूँ आलू टमाटर की थोड़ी सी रसीली सब्जी, जिसे हम चावल के साथ खाने वाले हैं बिकॉज आज आटा हमारे यहाँ खत्म हो गया है। अब मैं सुबह जाकर लाऊंगी, ठीक है? तो अभी हो चुकी है नेक्स्ट मॉर्निंग और मैं पी रही हूँ अपनी चाय एज यूजुअल, चाय बिना चैन कहाँ, मेरा तो यही है चाय और कॉफ़ी बिना चैन कहाँ, दोनों के बिना। तो सुबह हो चुकी है और मैं ये व्लॉग एंड करने वाली हूँ, और एंड करने से पहले आप इमाम को देख लो, इमाम यहीं खिलौने के साथ खेल रहे हैं, मेरा सारा बिस्तर ऐसे ही रखा हुआ है। तो जा रही हूँ मैं काम करने, आपसे मिलूंगी मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।